अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सेहत की बहुत अच्छी हालत में होंगे। अल्लाह पाक सबको अच्छा रखें, आसानियाँ दें, हर परेशानी से दूर रखें। आज हम सेवियों का ज़रदा बनाने जा रहे हैं और इसके लिए मैंने छुहारे जो होते हैं उनको आधा किलो दूध में मेवा डाल के और थोड़ी सी चीनी डाल के, ऐसे चीनी बिल्कुल स्लाइटली सी होती है, अगर 5-6 दाने या 10 दाने भी हैं छुहारे के तो उसमें 1/2 kg आपने मिल्क किया और उसमें 4 tablespoons आपने चीनी डाल के और पिसी हुई छोटी इलायची डाल के, या साबित भी डाल सकते हैं, जिसको मुंह में इशू होता है वो पिसी हुई डाल दें और वो डाल के उसको हल्की आंच पे खड़ा देते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये दूध जो है ना ये गाढ़ा होता जाता है और इसके अंदर ये छुहारों को पहले भिगो के रख देते हैं और फिर इनके अंदर से सीड्स निकली हुई हैं, इसमें कोई सीड्स नहीं है, देखिए बिल्कुल ऐसे है ये, तो ये बॉईल सोक करके रख देते हैं तो वो फूल जाते हैं, फिर उसमें से सीड्स और उसके कैप्स उतार के फेंक देते हैं और दूध में उनको अच्छी तरह से पका लेते हैं। और फिर जर्दे के लिए इसमें मैंने 1/2 cup ऑयल में और ये कोड़े से मैंने उसमें से लिए हैं छुहारे और उसका ये दूध वाला मसाला जिसमें कि ये एलमंड्स फ्लेक्स हैं, तो ये मैं थोड़ा सा इसको भूनती हूँ और फिर मैं इसमें 1 cup ये वाला जो कि मैंने जजा वालों का, जो नए जमशेद के जजा वालों की सेवियाँ मंगवाई थी, ये मैं तकरीबन 1 cup इसमें ऐड करूँगी। ये मैं इस तरह से चूरा करके तो डब्बा भर के फ्रिज में रख देती हूँ, जिसने भी यूज़ करना हो और वो करते रहते हैं। ये अभी मैंने पैकेट मंगवाए थे जजा वालों के और मैंने इनको इस तरीके से क्रश करके रख दिया था। ये मैं तकरीबन इसमें 1 cup डालती हूँ, ये 1 cup मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको हल्का सा भूनूंगी और फिर इसमें जब थोड़ी सी सेवियों की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और 1/2 cup चीनी डाल दूंगी, क्योंकि चीनी छुहारों में भी होती है और छुहारे खुद भी मीठे होते हैं, तो फिर बस हम अकॉर्डिंग टू सेवियाँ ही डालेंगे। 1 cup में सेवियाँ हैं तो उसमें 1/2 cup चीनी सफिशेंट है, तो थोड़ी सी भुना है, अच्छी सी खुशबू इसमें से आना शुरू हो जाए, बहुत जायकेदार बनता है सेवियों का ज़रदा। जो दूध से भागते हैं उनके लिए तो बेहतरीन डिश है कि वो ईद पे सेवियाँ भी खा लें। छुहारों को शीरे में भी बनाया जा सकता है, दूध में ना बनाएं अगर दूध का इशू है तो किसी को, तो वो शीरे में उसी तरह पहले बॉईल करके और फिर वो सब चीज़ें रिमूव करके सीड्स और कैप, और फिर उसके बाद उसको हल्के से शीरे के साथ शीरा बना के तो उसमें डाल के और हल्की आंच पे रख दें, मेवा भी डाल दें, शीरा भी डाल दें, छोटी इलायची भी डाल दें और उसको हल्की आंच पे खड़ा दें, तो वो बगैर दूध के भी छुहारे तैयार हो जाते हैं। ये अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। यहाँ इस टाइम में मैं पानी ऐड करती हूँ, पानी तकरीबन 1/2 cup जाएगा और इसी में ये फौरन ही चीनी भी चली जाएगी। आग हल्की कर देते हैं ताकि अंदर कंट्रोल रहे, कुछ देर इसको अच्छा सा हिला के और फिर हल्की आंच पे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। ताकि चीनी जो है वो मेल्ट होके दूध में शामिल हो जाए। इस
इसमें हमने और कुछ भी नहीं डालना, पानी भी बिल्कुल नहीं ऐड करना। ये जो छोटा सा कटोरा था ये भी मैंने ऊपर से बहुत सारा एम्प्टी रखा था, तो हमने वो पानी सिर्फ इसलिए इस उससे डालते हैं कि वो चीनी को डाइल्यूट होने में मदद दे। अब ये हल्की आंच से ही मैं इसी तरह इसको ऊपर नीचे करती रहूँगी और ये यहीं पे ड्राई हो जाएगा। इसी तरह मैं कुछ देर करती रहूँगी, 5 से 10 मिनट लगेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही चम्मच हिलाते हिलाते बिल्कुल पानी भी ड्राई हो जाता है और सेवियों में जो आपने चीनी डाली है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें पिघल के और इसको खिला खिला बना देती है। ये देखिए बिल्कुल खिली खिली सी बन गई है। भाप की वजह से ना आपको पिक्चर अब सही आ रही है। अब बस इसमें मैं 2 पलटे दूंगी इनको, ये ऐसे नीचे हल्की हल्की सी इस तरह से आएंगी, ऐसे करती जाएंगी, ये बिल्कुल पानी हर तरीके से सूख जाएगी और ये बिल्कुल खिली खिली तैयार हो जाएंगी। ये बिल्कुल अब रेडी है, भाप की वजह से आपको शायद सही से नजर ना आ रहा हो। अब यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रही है और मैं देख रही हूँ कैमरे में भी और मैं देख रही हूँ रियल में भी, मुझे बहुत फर्क लग रहा है। खैर आप सही आ रही हैं, हाँ आप ठीक आ रही हैं। चलें दुआओं में याद रखें, मैं फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ, ऑफ कर दिया फ्लेम और ये बस रेडी हो गई है। अब जिस लोग भी खाना चाहें निकालें और खाएं। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।